Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। एक तो पिता को याद करकर मैं वैसे ही भावुक था, पर आज मेरे प्रधानमंत्री जी के शब्दों ने मुझे मेरी माँ को अंदर तक भावुक किया है। आज जिस तरीके से उन्होंने मेरे पिता को याद किया और आज इनके भाषण में मेरे पिता के शब्द सुनाई दे रहे थे, जैसे पापा हमेशा मेरे बारे में मन से बोलते थे, आज उन्होंने उसी तरीके से मेरे बारे में मन से जो बातें कही, मेरे लिए ये बातें बहुत मायने रखती हैं। भाई आज मेरे लिए कई मायनों में ये मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ दिन है। एक तो पिता को याद करकर मैं वैसे ही भावुक था, पर आज मेरे प्रधानमंत्री जी के शब्दों ने मुझे मेरी माँ को अंदर तक भावुक किया है। आज जिस तरीके से उन्होंने मेरे पिता को याद किया और आज इनके भाषण में मेरे पिता के शब्द सुनाई दे रहे थे, जैसे पापा हमेशा मेरे बारे में मन से बोलते थे, आज उन्होंने उसी तरीके से मेरे बारे में मन से जो बातें कही, मेरे लिए ये बातें बहुत मायने रखती हैं। मैं उनसे उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज में इतना छोटा हूँ, पर उसके बावजूद जिस तरीके से मेरा नाम लेकर चिराग को उन्होंने इतना प्यार, इतना स्नेह दिया, मेरे लिए ये अपने में एक बहुत बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री जी का इतना प्यार आज मुझे मिला है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात है, और आज हाजीपुर की जनता के लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से आज, जिस अपनेपन से, मुझे लगता है आज उन्होंने कई बातें प्रोटोकॉल तोड़कर उन्होंने कही, मतलब सही में मन की बात, उनके दिल की बातें जो जो थी, मुझे खुद नहीं पता कि पार्लियामेंट में वो मुझे कब ऑब्जर्व कर रहे थे, पार्लियामेंट में उन्होंने मुझे कब देखा, मुझे मुझ पर ध्यान दिया कि चिराग क्या करता है, कैसे करता है, और इन बातों का जिक्र उन्होंने कैबिनेट में किया, ये तमाम बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। लगातार आपकी तारीफ की, उन्होंने ये भी कहा कि पापा से ज्यादा वोट आपको लगा। ये उनका प्यार है, स्नेह है, ये वही इच्छा है जो मेरे पापा कहते थे कि पुत्र बाप पिता से आगे निकले, बेटा बेटी अपने पिता, अपने माता पिता से आगे निकले, यह हर माता पिता की इच्छा होती है। आज मेरे प्रधानमंत्री ने उन्हीं शब्दों को दोहराया, मेरे लिए मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के। नहीं बिल्कुल, और उन्होंने सच्चाई बताई है, हकीकत दर्शाई है, जिस तरीके से ये गठबंधन सिर्फ डराकर, लोगों को धमकाकर, भ्रम फैलाकर, भय फैलाकर, जिस तरीके से लोगों का मत हासिल करने जा रही है, उन्होंने ठीक कहा। बिहार के लोग जागरूक हैं, बिहार के युवा जागरूक हैं, उन्होंने जिस तरीके से युवा बिहारियों को संबोधित करते हुए उन पर अपना विश्वास जताया, ये युवा बिहारी प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे इस चुनाव में, ये मेरी गारंटी है। भाई आज मेरे लिए कई मायनों में ये मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ दिन है। एक तो पिता को याद करकर मैं वैसे ही भावुक था, पर आज मेरे प्रधानमंत्री जी के शब्दों ने मुझे मेरी माँ को अंदर तक भावुक किया है। आज जिस तरीके से उन्होंने मेरे पिता को याद किया और आज इनके भाषण में मेरे पिता के शब्द सुनाई दे रहे थे, जैसे पापा हमेशा मेरे बारे में मन से बोलते थे, आज उन्होंने उसी तरीके से मेरे बारे में मन से जो बातें कही, मेरे लिए ये बातें बहुत मायने रखती हैं। मैं उनसे उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज में इतना छोटा हूँ, पर उसके बावजूद जिस तरीके से मेरा नाम लेकर चिराग को उन्होंने इतना प्यार, इतना स्नेह दिया, मेरे लिए ये अपने में एक बहुत बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री जी का इतना प्यार आज मुझे मिला है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात है, और आज हाजीपुर की जनता के लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से आज, जिस अपनेपन से, मुझे लगता है आज उन्होंने कई बातें प्रोटोकॉल तोड़कर उन्होंने कही, मतलब सही में मन की बात, उनके दिल की बातें जो जो थी, मुझे खुद नहीं पता कि पार्लियामेंट में वो मुझे कब ऑब्जर्व कर रहे थे, पार्लियामेंट में उन्होंने मुझे कब देखा, मुझे मुझ पर ध्यान दिया कि चिराग क्या करता है, कैसे करता है, और इन बातों का जिक्र उन्होंने कैबिनेट में किया, ये तमाम बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती। लगातार आपकी तारीफ की, उन्होंने ये भी कहा कि पापा से ज्यादा वोट
ये उनका प्यार है, स्नेह है, ये वही इच्छा है जो मेरे पापा कहते थे कि पुत्र बाप पिता से आगे निकले, बेटा बेटी अपने पिता अपने माता पिता से आगे निकले, ये हर माता पिता की इच्छा होती है। आज मेरे प्रधानमंत्री ने उन्हीं शब्दों को दोहराया, मेरे लिए मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के। नहीं बिल्कुल, और उन्होंने सच्चाई बताई है, हकीकत दर्शाई है, जिस तरीके से ये गठबंधन सिर्फ डराकर, लोगों को धमकाकर, भ्रम फैलाकर, भय फैलाकर जिस तरीके से लोगों का मत हासिल करने जा रही है, उन्होंने ठीक कहा। बिहार के लोग जागरूक हैं, बिहार के युवा जागरूक हैं, उन्होंने जिस तरीके से युवा बिहारियों को संबोधित करते हुए उन पर अपना विश्वास जताया, ये युवा बिहारी प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे इस चुनाव में, ये मेरी गारंटी है।